सुशांत सिंह राजपूत मामले में सबसे बड़ी अपडेट मिल रही है दोस्तों। सुशांत केस के मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती के बिहार जाने की खबरें आ रही हैं। जी हां, बेहद चौंकाने वाली खबर आ रही है कि रिया चक्रवर्ती बिहार के पटना शहर जा रही है। एनसीबी के आरोप पत्र दाखिल कराने के तुरंत बाद रिया चक्रवर्ती का बिहार के पटना जाना कई अटकलों को जन्म दे रहा है। अब इस खबर के बाहर आने के बाद तो मुंबई से लेकर अमेरिका तक खलबली मच गई। जो रिया चक्रवर्ती पिछले 2 साल में कभी सुशांत के परिवार के किसी भी सदस्य के संपर्क में नहीं रही, जिस रिया चक्रवर्ती पर आरोप है कि उसने सुशांत को उसकी बहनों और पिता से दूर कर दिया, जिस रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के पिता को मुंबई में अपने बेटे से मिलने भी नहीं दिया, वो रिया चक्रवर्ती अब खुद पटना क्यों जा रही है? रिया चक्रवर्ती ना तो किसी फिल्म की शूटिंग कर रही है, रिया के हाथ में किसी भी तरह का कोई प्रोजेक्ट भी नहीं है, तो भला बिहार जाने का रिया का मकसद क्या हो सकता है? वो हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। आप भी रिया के बिहार प्लान को लेकर अपनी राय कमेंट में जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल के साथ जुड़कर हमारी आवाज बने। तो रिया चक्रवर्ती का सच क्या है? रिया पर लगे आरोप कितने सही हैं? रिया ने सुशांत के साथ क्या कुछ किया? ये सब अब जल्दी बाहर आने वाला है। 12 जुलाई वो तारीख है जिस दिन सुशांत के इंसाफ की शुरुआत हो जाएगी। हमने आपको हाल ही में अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि एनसीबी ने कोर्ट के समक्ष एक आरोप पत्र दाखिल किया है जिसमें रिया चक्रवर्ती, उसके भाई शौविक चक्रवर्ती समेत कई लोगों को आरोपी बनाया गया है और कोर्ट से गुजारिश की गई है कि वो आरोप पत्र को पढ़कर आरोप तय करें, जिसके लिए कोर्ट की तरफ से 12 जुलाई की तारीख तय की गई है। यानी कि 12 जुलाई को रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती समेत अन्य आरोपियों पर आरोप तय होंगे। अब जैसे ही एनसीबी ने आरोप पत्र दाखिल किया तो रिया चक्रवर्ती बुरी तरह घबरा गई, क्योंकि रिया को पता है कि अब बचने का कोई तरीका नहीं है। रिया पर ड्रग लेने के आरोप के साथ ही सुशांत के लिए ड्रग खरीदने और सुशांत को चोरी छिपे ड्रग देने के आरोप भी एनसीबी की चार्जशीट में शामिल हैं। तो यकीनन रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती के लिए आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। तो अब रिया चक्रवर्ती खुद को बचाए तो कैसे बचाए? न बॉलीवुड से मदद मिल रही है और न ही कहीं और से। रिया को पहले लग रहा था कि अब इस केस में कुछ नहीं होने वाला, मगर एनसीबी की लेटेस्ट चार्जशीट ने रिया शौविक को अंदर तक खिलाकर रख दिया और दोनों ही अब बचने के तरीके ढूंढ रहे हैं। तो मीडिया में आ रही रिपोर्ट्स की माने तो रिया चक्रवर्ती अपने भाई शौविक के साथ बिहार के पटना शहर जा रही है। अब बिहार जाने का रिया का मकसद क्या हो सकता है? क्योंकि रिया ना तो किसी फिल्म की शूटिंग कर रही है और न ही कोई ऐसा प्रोजेक्ट रिया के हाथ में है जिसके लिए रिया को बिहार जाने की जरूरत पड़े। अब सूत्रों की माने तो रिया चक्रवर्ती बिहार के पटना में जा सकती है और वहां से हो सकता है कि वो सुशांत सिंह राजपूत के पिता से भी मिले। सूत्रों की माने तो रिया चक्रवर्ती बेहद गोपनीय तरीके से बिहार जाने वाली है। कब और कैसे जाएगी ये भी किसी को खबर नहीं है, क्योंकि सब कुछ बहुत सीक्रेटली प्लान किया गया है। सूत्रों की माने तो रिया पटना में सुशांत के पिता से मिल सकती है और हो सकता है कि सुशांत के पिता से वो माफी भी मांगे, बात करे, मुलाकात करे और केस को वापस लेने का दबाव बनाए। बॉलीवुड सूत्रों की माने तो रिया के पास अब बस यही एक रास्ता है बचने का कि वो सुशांत के पिता से माफी मांगकर केस वापस लेने की बात कहे और खुद को जेल जाने से बचा ले, क्योंकि अब एनसीबी की तो कार्रवाई फिर से शुरू हो चुकी है और 12 जुलाई के बाद रिया चक्रवर्ती पूरी तरह आरोपी बन जाएगी। ऐसे में रिया की प्लानिंग ये हो सकती है कि वो सुशांत के पिता के जरिए खुद को सेव करा ले। अब जैसे ही रिया चक्रवर्ती के बिहार जाने की खबरें मीडिया में आई तो हर तरफ शोर मच गया। सुशांत की अमेरिका वाली बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने भी कई मीडिया ग्रुप से संपर्क किया है और इस खबर की तस्दीक की है। वहीं खबरों की माने तो सुशांत सिंह राजपूत की दिल्ली और फरीदाबाद वाली बहनें प्रियंका सिंह राजपूत और रानी दीदी भी अपने पिता को अपने साथ लाने की तैयारी में है, ताकि रिया चक्रवर्ती पिता को अकेला पाकर अपने जाल में न फंसा पाए, क्योंकि अब सुशांत के पिता की उम्र 77 साल हो चुकी है। सोचने समझने की शक्ति भी इस उम्र में कम हो जाती है और जवान बेटे को खोने का दर्द उन्हें बुरी तरह जकड़े हुए है। ऐसी स्थिति का फायदा रिया न उठा पाए इसके लिए सुशांत की बहनें भी अलर्ट हो चुकी हैं। तो अब रिया का सीक्रेट प्लान क्या है? कब और कैसे बिहार जाएगी? बिहार जाने का असली मकसद क्या है? इस पर जो भी अपडेट हमें मिलेगी हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। आप भी रिया के इस डर पर और खुद को बचाने के लिए सुशांत के पिता को मोहरा बनाने की साजिश पर क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो बॉलीवुड के मशहूर एक्टर दिवंगत अभिनेता सुशांत के मामले में एनसीबी ड्रग एंगल से जांच कर रही है। इस मामले में ताजा और सबसे बड़ा अपडेट ये है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शौविक चक्रवर्ती और अन्य लोगों को जिस केस में आरोपी बनाया था तो उसमें एनसीबी ने सभी आरोपियों के खिलाफ स्पेशल कोर्ट में ड्राफ्ट चार्ज फाइल कर दिए हैं। और सबसे खास बात यह है कि इस चार्जशीट में एनसीबी ने रिया शौविक पर ड्रग लेने के आरोप तो लगाए ही हैं,
और साथ ही साथ इन सभी आरोपियों पर सुशांत के लिए ड्रग खरीदने तक के आरोप लगा दिए हैं। ड्रग खरीदने के अलावा सुशांत को चोरी शिप पे ड्रग देने के भी आरोप इस फाइल में शामिल होने के बताए जा रहे हैं। रिपोर्ट की माने तो चार ड्राफ्ट्स में उन व्हाट्सएप चैट्स को भी शामिल किया गया है जिसमें रिया सुशांत के लिए ड्रग भेजने की बात कह रही है और चाय कॉफी या जूस में मिलाकर देने की भी बात हुई थी। यानी कि रिया ने किस तरह चोरी छिपे लिक्विड आइटम्स में सुशांत को ड्रग दी थी, ये भी जिक्र चार्जशीट में एनसीबी की तरफ से किया गया है। अब मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कोर्ट में एनसीबी जब ड्राफ्ट्स लेकर पहुंची और सुनवाई हुई तो इस पूरी कार्रवाई के दौरान रिया अपने भाई शौविक के साथ कोर्ट में ही मौजूद थी और दोनों भाई बहन एनसीबी के आरोपों को चुपचाप सुन रहे थे। दोनों में से कोई भी एक भी बार कुछ नहीं बोला, ना ही दोनों के वकीलों ने कुछ बोला। अब कोर्ट के अंदर एक्सेप्ट क्या हुआ ये तो सामने नहीं आया, लेकिन हाँ कोर्ट से बाहर निकलने के बाद इस मामले में बात करते हुए एनसीबी की तरफ से पेश हुए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अतुल सरपंदे ने बताया कि इस चार्जशीट में सभी आरोपियों पर आरोप तय किए गए हैं जिसमें रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, सिद्धार्थ पिठानी समेत कई आरोपी शामिल हैं। अतुल सरपंदे ने बताया कि रिया और उसके भाई शौविक ने ड्रग का इस्तेमाल किया था, दोनों ने ही सुशांत के लिए ड्रग्स खरीदी भी थी और सभी आरोप एनसीबी ने चार्जशीट में दाखिल कर दिए हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर अतुल सरपंदे ने आगे बताया कि कोर्ट सभी पर आरोप तय करने वाली थी लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि कुछ आरोपियों ने डिस्चार्ज एप्लीकेशन दाखिल कर दी है, इस वजह से कोर्ट की तरफ से अभी फैसला नहीं लिया गया है। कोर्ट ने कहा है कि डिस्चार्ज एप्लीकेशन पर फैसला लेने के बाद ही आरोपियों पर बाकी के आरोप तय किए जाएंगे। हालांकि सरपंदे ने ये जरूर बताया कि रिया और शौविक ने डिस्चार्ज एप्लीकेशन नहीं लगा रखी, यानी कि इन दोनों पर तो आरोप होना बिल्कुल तय है और अभी इन पर यह आरोप लग चुके हैं। और यहां आपको ये बता दें कि कोर्ट के स्पेशल जज वीजी रघुवंशी अब इस मामले की अगली सुनवाई 12 जुलाई को करेंगे, यानी कि 12 जुलाई को रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती पर आरोप तय होंगे और ये पूरी तरह से तय हो चुका है। इन दोनों के अलावा कई और भी आरोपी इस चार्जशीट में शामिल हैं। अगर किसी को भी कोर्ट की तरफ से डिस्चार्ज मिलता है तो ठीक है, वरना रिया और शौविक के साथ सभी आरोपियों पर 12 जुलाई को आरोप तय किए जाएंगे। अब आरोप तय होने के बाद आगे क्या होता है, क्या क्या होगा वो भी समझिए। अगर किसी पर कोर्ट में आरोप तय कर दिए जाते हैं तो फिर ट्रायल चलता है, केस शुरू हो जाता है और अगर 12 जुलाई को रिया चक्रवर्ती और शौविक के खिलाफ आरोप तय होते हैं तो इन दोनों पर भी कोर्ट में केस चलेगा, सुनवाई चलेगी, तारीख लगेगी, ट्रायल लगेगा जिसमें दोनों पक्षों के वकील अपनी अपनी दलीलें देंगे, गवाहों और सबूतों को कोर्ट के सामने रखा जाएगा, पेश किया जाएगा और एनसीबी ने जो सबूत, जो गवाह अपनी चार्जशीट में दिए हैं उन्हें भी यहां पर सामने लाया जाएगा। ट्रायल के दौरान आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो फिर कोर्ट की तरफ से सजा भी मुकर्रर की जाती है। यानी कि अब 12 जुलाई का इंतजार है जिस दिन कोर्ट रिया और शौविक पर आरोप तय करेगी और एक बार आरोप तय हो गए तो वो दिन भी दूर नहीं जब सुशांत को इंसाफ मिलेगा, सुशांत के दोषियों को उनकी सजा मिलेगी। यहां आपको याद दिला दें कि सुशांत सिंह राजपूत 14 जून 2020 को मुंबई में अपने फ्लैट में मृत पाए गए थे, जिसके बाद से ही इस केस में एनसीबी ड्रग एंगल से जांच कर रही है। रिया चक्रवर्ती सितंबर 2020 में गिरफ्तार भी हुई थी लेकिन करीब एक महीने जेल में रहने के बाद रिया को मुंबई हाई कोर्ट से जमानत मिल गई थी और फिलहाल रिया जमानत पर छूटी हुई कैदी है। जी हाँ, जब जेल में थी तब कैदी ही थी लेकिन फिलहाल जमानत पर है, जमानत पर बाहर है और शौविक चक्रवर्ती भी जमानत पर ही बाहर है। अब एक बार फिर सुशांत केस में उम्मीद जगने लगी है दोस्तों, इंसाफ की आस जगने लगी है, तो इंतजार कीजिए 12 जुलाई का।